माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, आज हम लोग कैलुरिया के मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। कैलुरिया बहुत ही एक कॉमन डिजॉर्डर्स जिसमें मेल इसमें ज़्यादा इफेक्ट होते हैं फीमेल के अपेक्षा। क्या है कैलुरिया, ये आज के समय का कॉमन डिजॉर्डर क्यों हो चुका है? ये कैलुरिया में मेनली वाइटिश यूरिन होते हैं और जब ज़्यादा देर के बाद यूरिनेशन करने पे एक मांस के जैसा, पेशेंट बोलता है कि मांस के जैसा लोथरा बाहर निकलता है पेशाब करते समय, ऐसा एक कॉमन डिजॉर्डर मिल रहा है। क्या है कैलुरिया, जैसे कि आप जानते होंगे यूरिन में जो कंपोजिशन होते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, ये तो नॉर्मल है ना। लेकिन इसके अलावा अगर यूरिन में कभी अल्बुमिन पास कर रहा हो, कभी ग्लोबुलिन पास कर रहा हो, कभी कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड पास कर रहे हो, या फिर कोई लिम्फ कंपोनेंट वहाँ से पास कर रहे हो, तो अगर यूरिन में लिम्फैटिक फ्लूइड या फिर प्लाज्मा प्रोटीन या फिर फैट के सब्सटेंस, तीन पार्ट ना, प्रोटीन, फैट एंड लिम्फैटिक सब्सटेंस, जब यूरिन से किसी कारण से जब पास करता है, तीनों या तीनों में से कोई दो या तीनों का तीनों, कोई एक भी दो भी तीन, या तो लिम्फ भी पास कर रहा हो, फैट भी पास कर रहा हो, प्लस प्रोटीन पास कर रहा हो, तब भी कैलुरिया होता है। कोई एक पास करे तब भी कैलुरिया होता है। अब तीनों में थोड़ा सा बता देते हैं आपको ना कि ऐसे पेशेंट काफी है, तो कोई भी पास करता हो तो कैलुरिया ही बनेंगे वो। अब इसमें कई तरह के पेशेंट मिलते हैं। एक पेशेंट होते हैं जो पेशेंट बोलता है दूध खाने पे या कोई तेल मसाला खाने पे, है ना, दूध का प्रोडक्ट लेने पे, ज्यादा तैलीय खाने पे यूरिन का कलर व्हाइटिश हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब सो के उठते हैं तब यूरिन व्हाइटिश होता है। तो अगर ऐसा अगर केस हो रहा है, इसका मतलब यूरिन से फैट पास करें, है ना। दूसरा केस होता है, पेशेंट बोलता है कि वो सब तो कुछ नहीं होता, तो नॉर्मल खाना खाते हैं लेकिन फिर भी यूरिन से पास करता है व्हाइट कलर के, इसका मतलब वहां पे प्रोटीन पास कर रहे होंगे। अगर अगर बाय द वे सपोज लीवर कमजोर है और आपका वेट लॉस भी हो रहा है डे बाय डे, अगर आप कैलुरिया के साथ वेट लॉस है, इसका मतलब यूरिन से प्रोटीन पास कर रहे हैं। यह प्रॉब्लम या तो किडनी का हो रहा होगा या फिर कहीं ना कहीं ब्लैडर का कुछ वेसल्स के डिजॉर्डर के कारण। थर्ड में होता है लिम्फ के पास करने का। लिम्फ कहाँ से पास करता है, या तो प्रोस्टेटिक प्लेक्सस के कारण डैमेज होने से या ब्लैडर के प्लेक्सस डैमेज होने से वहां से लिम्फ पास करते हैं। बहुत रेयर केस होता है फाइलेरिया के कारण। कभी कभी इसनोफिल का काउंट भी बहुत ज्यादा हाई होने पर भी ब्लैडर से ज्यादा लीक होने लगते हैं लिम्फ, इसनोफिल काउंट हाई होने के बाद भी। तो ये जो आप देखें कभी प्रोटीन पास करना, फैट पास करना, लिम्फ पास करना, यही चीज अगर बाय द वे पास करने लगता है यूरिन से, जिस कंडीशन को कैलुरिया बोलते हैं। अब मरीज में सिम्टम क्या है, मैं जो बोलेगा किसी पेशेंट में तो एनी टाइम यूरिन व्हाइट यूरिन होते हैं, किसी किसी में सिर्फ सुबह सुबह व्हाइट यूरिन होता है, किसी किसी में दो तीन दिन पे व्हाइट होता है, किसी किसी में एक सप्ताह पे होता है। कोई पेशेंट बोलता है कि एक स्पेसिफिक खाना खाने पे, कोई पनीर या दूध या कोई चिकन या कोई नॉनवेज खाने पे व्हाइट यूरिन होता है। तो ऐसे ऐसे भी अलग अलग तरह के पेशेंट मिलते हैं, एक जैसे नहीं पेशेंट, इसमें बहुत सारे पेशेंट हैं। और हम ये नहीं कह सकते पूरे कैलुरिया में 100 कैलुरिया में एक ही पेशेंट होता है जो फैलुरिया का होता है। जो लोग उल्टा यहाँ पे समझते हैं, ज्यादातर तो लोग कैलुरिया को लोग यह समझ लेते हैं कि फैलुरिया का नहीं मिले, जो कि 100 में एक पेशेंट ही जो कैलुरिया के हैं वह फैलुरिया से सफल होते हैं। 99% जो होते हैं वह दूसरे चीज सफल होते हैं, जो कि लोग इसको बात नहीं समझ पाते, प्रॉब्लम कहीं और होते हैं, लोग इलाज कुछ और चलाते हैं। तो अभी जो बोले ना 99% का, उसी पे हम लोग काम करते हैं और उसी पे हम लोग पेशेंट को दवा देते हैं। हमको जोर देना, क्योंकि बाकी तो 1% पे हमको थोड़ा देना, तो सब लोग जानते हैं उसके बारे में,
जो भी लोग इलाज करते हैं खालिया बेसिस पे इलाज करते हैं। खैर तो पेशेंट अलग अलग तरह के होते हैं। हम लोग वर्क करते हैं, जब दवा देते हैं पेशेंट को तो इंटेस्टाइन के बेसिस पे भी देते हैं, लीवर के बेसिस पे देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के बेसिस पे देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के बेसिस पे देते हैं, यूरेथ्रा के बेसिस पे, किडनी के बेसिस पे। अगर फीमेल है तो फिर वहाँ पर बाकी प्रोस्टेट और यूरेथ्रा को छोड़ करके बाकी बेसिस पे देते हैं। तो पेशेंट अलग अलग तरह के होते हैं और सिम्टम यही सबसे ज़्यादा मिलता है पेशेंट को। हाँ, कुछ पेशेंट बोलते हैं कि वेट लॉस होती है, इसके अलावा कुछ पेशेंट में ज़्यादा सिम्टम नहीं मिलता है। इतना सिम्टम्स लगभग हम लोग देखे हैं पेशेंट, तो हम लोग के पास डेली पेशेंट काफ़ी इसके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मरीज हैं। और जितना भी पेशेंट सिम्टम पूछते रहते हैं, दो सिम्टम बड़ा पिकुलियर ही बोलता है। एक तो बोलता है वेट लॉस के बारे में और एक बात बोलता है कि यूरिन व्हाइट हो रहे हैं और वही कभी कभी मांस के जैसा बाहर निकलते हैं पेशाब करते समय। तो वही बोलता है ना कि ऐसा पेशेंट का हम लोग काफ़ी पेशेंट देख रहे हैं इसमें लोग। और हाँ, ये चीज़ है, इसमें से लगभग 98% पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। काफ़ी लोग हताश हो जाते हैं, कई तरह के लोग दवा खा के भी आते हैं लेकिन खैर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि दवा देने का एक मोड एक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि पेशेंट अलग अलग तरह के होते हैं, लीकेज कहाँ से हो रही है, क्या लीकेज हो रही है, इस पर डिपेंड करता है ना। ऐसा थोड़ी है कि लिप पास करे तो अच्छी दवा दे देते हैं, यही चीज़ यहाँ पे होता है ना। इसी कारण से यह दवा सही ढंग से नहीं काम कर पाती है लोगों को, क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि लीकेज कौन से है, कहाँ से हो रही है। प्रोटीन का लीकेज है कि लिम्फ का लीकेज है कि फैट का लीकेज है, कहाँ से हो रही है, ये जानना होता है ना। अब तभी हम लोग फिर उसका सटीक मेडिसिन चलाते हैं और ठीक होता है। अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले पेशेंट को बोलते हैं कि यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन और उसी में स्पेसिफिक में आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है ना, उसमें फैट का टेस्ट आ जाता है उसमें, और दूसरा उसमें प्रोटीन टेस्ट, तो खैर आरडी ऑफ फ्यूड कार्ड में मिल ही जाता है, और नहीं तो अलग से काइल का टेस्ट भी कराते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बोलते हैं कि आप ऑनलाइन अगर संपर्क करते हैं या ऑफलाइन में भी आते हैं तो आपकी समय ज़्यादा लॉस ना हो। अब आप क्लिनिक पर आएंगे एक दो दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा रूटीन ये जाँच के लिए। इससे अच्छा है कि आप अगर ऑनलाइन संपर्क करते हैं ऑफलाइन, तो आप पहले आरडी ऑफ यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के साथ उसी में इंक्लूडिंग करना है काइल टेस्ट और लिपिड टेस्ट। इतना जांच के बाद कल्चर की आवश्यकता हम लोग नहीं करते, ऐसे आप कल्चर भी करा कर कर सकते हैं आपके मन से, उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि करा लेते हैं, करा सकते हैं, इस रिपोर्ट करा करके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और ट्रीटमेंट तो खैर हम इसमें बहुत अच्छी इसका इलाज भी है। ऐसे कुछ जो स्पेसिफिक और भी दवा बता देते हैं आपको, जिसको कि आप जब संपर्क में नहीं आ पाते तब तक आप उसको आप ले सकते हैं, आपको इसमें ठीक होने की गारंटी ज़्यादा मिलती है। सबसे पहले इसमें आता है आपको डेली बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि लाइकोपोडियम 200 पावर में 5 ड्रॉप डेली सुबह पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए। लाइकोपोडियम 200 आधे कप पानी में पेशेंट को देना है। नंबर 2 सल्फर 1 mg 1000 पावर की दवा एवरी संडे। संडे इसलिए बोला गया ना कि एक दिन याद रहने से उस दिन को उस पावर की दवा उसी दिन लेना होता है वीक में एक बार। तो हम लोग एवरी संडे सल्फर 1 mg में पेशेंट को दे देते हैं। 3rd में सालिसिया 6x पावर में स्टार्ट तो वहीं से करते हैं, आगे और लेके जाते हैं बहुत ऊपर तक, और 6x में 6 टैबलेट दिन भर में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए। अगली दवा आता है वियोला ओडिराटा, मदर टिंचर आता है क्यों, इसको 15 बूंद दिन भर में 3 बार आधे कप पानी के साथ बोलते हैं लेने के लिए।
इसके साथ लीवर की गड़बड़ी अगर हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो, तो निजेला सिटाइवा मदर टिंचर चलाते हैं पेशेंट को। अगर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता हो, सबल सिरुलाटा मदर टिंचर देते हैं। अगर पेशेंट को फाइलेरिया का प्रॉब्लम हो, स्नोफिल का प्रॉब्लम हो, तो हाइड्रोकोटाइल यूज करते हैं पेशेंट को। अगर कोई एलर्जन के कारण अगर पेशेंट को हो रहा हो, दूध पीने से हो रहा हो, मीट मछली खाने से हो रहा हो, तो उस केस में लोग फिर आर्सेनिक सल्फ यूज करते हैं। इतना ही नहीं, ये तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे और भी दवा है। अर्निका मदर टिंचर यूज करते हैं, बोरेक्स यूज करते हैं, फिर उसके बाद एसिड फॉस भी देते हैं पेशेंट के अनुसार। अलग दवा एक दो नहीं है, डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन क्या है। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, और उसके अनुसार दवा चेंज होती है। इसलिए हाँ, ये दवा कुछ ऑथेंटिक ज़्यादा मिलता है दवा में, तो आप यूज कर सकते हैं। और बाकी तो आप हमसे संपर्क कर ही सकते हैं, जैसा आप यूरिन का भी आप फोटो खींचकर एक ट्रांसपेरेंट बोतल में यूरिन को निकाल के और एक घंटे के बाद उसका फोटो खींच करके आप भेज सकते हैं, वो भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हम लोग दवा देते हैं। तो ये सब जो है आप कंसल कर सकते हैं। ये था कैलोरिया का मेडिसिन, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।